फ्रेंड्स, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था पास्ट इंडेफिनेट टेंस और उससे भी पहले की चार वीडियोज़ में हमने प्रेजेंट के चारों टेंसेज को सीखा था। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यदि आपने वो वीडियोज़ को नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, जिससे कि आपको ये टेंसेज की सिक्वेंस समझ आ सके, वन बाई वन आप टेंसेज को समझ सके। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से मेरी चारों वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इससे पहले की जो वीडियो थी पास्ट इंडेफिनेट टेंस, आप उसको भी डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के टेंसेस किस तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टेंसेस हैं पास्ट कंटिन्यूस, इसमें मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को समझा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का प्रयोग होता था। आज हम सीख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस। तो ये जो पास्ट कंटिन्यूस है, इस पास्ट कंटिन्यूस के जो टेंसेज रहेंगे उसमें मेन वर्ब इट मीन्स मुख्य क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होगा। मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था, कोई क्रिया चल रही थी, जैसे वह जा रही थी, हम खेल रहे थे, वे पढ़ रही थी। तो इस तरह के टेंसेज पास्ट कंटिन्यूस के टेंसेज कहलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि सकारात्मक वाक्य होता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इट मीन्स सकारात्मक वाक्य। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में मैं ऑलरेडी पहले की वीडियोस में बता चुका हूं कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये किस तरह का होता है। तो फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज़ करेंगे। अब कब वॉज आएगा, कब वर आएगा, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर से बताने वाला हूँ, लेकिन हम इसको आगे बढ़ते हैं। वाज वर्ग के बाद हमें वी वन प्लस आई एन जी का यूज़ करना है। सारे कंटिन्यूज में हम वी वन प्लस आई एन जी का यूज़ करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं हम कि कब हमें वाज का यूज़ करना है और कब हमें वर्ग का यूज़ करना है। फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ करेंगे। इट मीन्स ही, शी, इट, नेम और आई, ही, शी, इट, नेम और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ किया जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है कि सब्जेक्ट कौन से होते हैं। इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट इट मीन्स ही, शी, इट, नेम और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ग का यूज़ करना है, मतलब यू, वी, दे के साथ हमें वर का यूज़ करना है। तो ये थी हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज वर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, मैं खेल रहा था। यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, मेक इंग्लिश होगी आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वाज, आई वाज, और खेलने को बोलेंगे प्ले, बट इसमें हम आई एन जी का यूज़ करेंगे, आई वाज प्लेइंग। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, मैं खेल रहा था, इट मीन्स आई वाज प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, वह घर जा रहा था, वह घर जा रहा था, ही वाज गोइंग होम, ही वॉज गोइंग होम। तो सब्जेक्ट है हमारा ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वॉज, वाई, बिकॉज यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ही, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इस वह की इंग्लिश होगी ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज, ही वॉज गोइंग होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हम पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग, वी वर स्टडिंग, हम पढ़ रहे थे, हम इट मीन्स वी और हेल्पिंग वर्ब वर, वी वर स्टडिंग। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस, इट मीन्स नकारात्मक वाक्य, कि नकारात्मक वाक्य किस तरह के होते हैं। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर के बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा, देन वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ इसमें होगा। इसके एग्जाम्पल है फ्रेंड, मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग। तो यहाँ पे हमें सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देना है। तो आई वॉज नॉट प्लेइंग, वह घर नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग होम,
ही वॉज नॉट गोइंग होम, हम नहीं पढ़ रहे थे. वी वर नॉट स्टडिंग, वी वर नॉट स्टडिंग. तो ये थे हमारे निगेटिव सेंटेंसेज, इट मीन्स नकारात्मक वाक्य. चलिए अब हम देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हम पहले की वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं. इसके बारे में हम समझ चुके हैं कि ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, या तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं. अब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ. डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड मतलब कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स कहलाते हैं. तो यदि सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स आया है तो हम उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में, इट मीन्स शुरू में यूज़ करेंगे. अदरवाइज नहीं आया तो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज या वर से स्टार्ट होगा. तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. चलिए फ्रेंड्स इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. क्या आप पढ़ रहे थे, क्या आप पढ़ रहे थे. तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंस में आपको हर एग्जांपल में बताता हूँ जिससे कि ये कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए, आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे. क्या आप पढ़ रहे थे, तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है हिंदी में, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे. क्या आप पढ़ रहे थे, वर यू स्टडिंग, वर यू स्टडिंग. तो फ्रेंड्स ये वर यू स्टडिंग क्यों बना, क्योंकि ये जो क्या से स्टार्ट हो रहा है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो सेंटेंस हमारा हिंदी में क्या से शुरू होता है उसका आंसर यस या नो में आ सकता है. तो जिस सेंटेंस का आंसर यस या नो में आ जाए वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. क्या आप पढ़ रहे थे, वर यू स्टडिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप क्या पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ रहे थे. अब देखिए फ्रेंड्स दोनों में अंतर देखिए, पहला वाला क्या से स्टार्ट हुआ था लेकिन दूसरा वाला जो है आप और उसके बाद जो आया है क्या, आप क्या पढ़ रहे थे. तो ये जो सेंटेंस है हमारा सेकेंड वाला इसमें है क्वेश्चन वर्ड, इट मीन्स डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्या, जो कि आपके बाद आया है, आपके बाद आया है, इसलिए हम उस क्या को ट्रांसलेट करेंगे वॉट से, आप क्या पढ़ रहे थे. तो हमारा सेंटेंस बनेगा वॉट वर यू स्टडिंग, वॉट वर यू स्टडिंग. आई होप दैट आपको इन दोनों के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या चेंजेस है. फर्स्ट जो सेंटेंस था उसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं था, लेकिन जो सेकेंड वाला है इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, इसलिए हम इसको बनाएंगे वॉट वर यू स्टडिंग. चलिए इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. वह कौन सा गीत गा रही थी, वह कौन सा गीत गा रही थी. विच सॉन्ग वॉज शी सिंगिंग, विच सॉन्ग वाज शी सिंगिंग. तो कौन सा गीत, इट मीन्स विच सॉन्ग, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, सब्जेक्ट है शी सिंगिंग. विच सॉन्ग वाज शी सिंगिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे. इसमें भी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, इस क्या की इंग्लिश होगी वॉट, वॉट वर यू डूइंग, वॉट वर यू डूइंग. तुम क्या कर रहे थे, इट मीन्स वॉट वर यू डूइंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह क्यों हंस रहा था, वह क्यों हंस रहा था. Why was he laughing, why was he laughing. तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. आई होप दैट फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आई और आज आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है. फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हाँ फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सो देट आपके फ्रेंड्स भी ये टेंस की सीरीज़ को वन बाई वन सिक्वेंस से इसको समझ सके, जिससे कि इनको पूरे टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें. आप भी इस वीडियो से हेल्प लीजिए और इस वीडियो से टेंसेस बनाना सीखिए और अपने फ्रेंड्स को भी आप मदद कीजिए इस वीडियो के माध्यम से. आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है, वीडियोज़ कैसी लग रही है. आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं. और हाँ फ्रेंड्स यदि आप फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़ रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और आप नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको मेरी इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी और जो टेंसेज की सीक्वेंस चल रही है आप वो भी प्राप्त कर पाएंगे और टेंसेस को सीख पाएंगे.